Hello students of 8th class, in the previous session I taught you about the agriculture practice and various agriculture practice processes. So now today I am going to teach you about the main theme of this chapter, which is including the preparing of soil by plowing, leveling, manuring at extra, selection of sowing, replenishing of the soil, irrigation, weeding, crop protection from the pest, harvesting, threshing, winnowing and storing. Okay, so please, this video is very important for you. You are to hear this video carefully. So I'm going to start my topic, irrigation. Beta, irrigation means any watering crops. Pani lagana kisi bhi kheti mein. Plants need water for proper growth. प्लांट को वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए. अबाउट 90% ऑफ प्लांट बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर, यानी कि 90% जो प्लांट बॉडी है वो वाटर से बनी है. वाटर इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जब बीज को जर्मिनेट करवाना है तो भी वाटर की ज़रूरत पड़ेगी. द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट इन द फील्ड इज नोन एज इरीगेशन. यानी कि जब हम किसी भी खेत के, यानी खेत में जब हम पानी की प्रॉपर अमाउंट उसके पास पहुंचा देते हैं, यानी वाटरिंग कर देते हैं प्लांट में, उसे इरिगेशन कहते हैं. इरिगेशन के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं, जिसमें मोस्टली नेचुरल रिसोर्स जो है वो पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स हैं, और आर्टिफिशियल जो सोर्सेस हैं उसमें कैनाल्स, डैम्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स एक्स्ट्रा. और जो ट्रेडिशनल मेथड है ना इरिगेशन के, उसमें बेटा पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली सिस्टम, रेट लीवर सिस्टम भी जिसको बोलते हैं, ट्यूब वेल एटेक्स्ट्रा. तो बेटा इरिगेशन करने के लिए हम लोग नेचुरली और आर्टिफिशियल दोनों अलग अलग तरीके से इनको कर सकते हैं. इसके बाद बेटा जो मॉडर्न मेथड है ना इरिगेशन का, आजकल जो मॉडर्न मेथड है उसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा है. ड्रिप पाइप्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इनको आजकल मॉडर्न मेथड में यूज किया जाता है. ये आपको बताए जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जब इरिगेशन करा जाएगा तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें एक लॉन्ग पाइप्स लगे होते हैं, उसमें जो फाउंटेन लगा होता है वो उस पूरी की पूरी खेती के अंदर चारों तरफ वाटरिंग का एक फाउंटेन टाइप का बनाता है, जिससे कि स्लोली स्लोली वो वाटर अर्थ के अंदर यानी कि प्लांट के पास पहुंचता है. और ड्रिप में, ड्रिप वाइज हम सिस्टम यूज करते हैं, उसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं. अब बात आती है वीट की. वीट मतलब जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो हो जाते हैं. जिसमें एग्जांपल अगर मैं कुछ लेता हूँ तो जैसे कि ग्रास, चौलाई यानी कि अमेरेंथस बोलते हैं उसको, बथुआ होता है वो, सिनोपोडियम बोलते हैं उसको, ये सब उस खेती के साथ एक्स्ट्रा में आ जाते हैं. तो वो वीड्स हम उसको रिमूव अगर नहीं करते हैं तो क्रॉप प्लांट अफेक्टेड हो जाती है और वो गुड यील्ड्स नहीं देती है. तो हमें अपनी पूरी की पूरी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन अनवांटेड वीड को हटाना होगा. और हटाने के लिए जो फार्मर्स लोग होते हैं वो उसको अपरूट करते हैं और वीड्स को थ्रो आउट करके टाइम टू टाइम खेत में से निकाल देते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर क्रॉप अच्छी ग्रो करती है. तो बेटा जो हम वीड्स को निकाल रहे हैं, तो वीड्स को निकालते समय उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? तो बेटा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, इज कॉल्ड वीडिंग. इसके लिए बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं, मेटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, 2,4-D यानी कि 2,4-DNP, 2,4-Dichlorophenonosipoacetic एसिड. स्पाइज एसिटिक एसिड जो होता है उसे हम 2,4-DNP बोलते हैं. ये एक्चुअल में ऐसे वीडिंग हैं जो फसल के साथ डालने पर उनके ग्रोथ को रोक देते हैं. अब बात आती है कि वीडिंग करने के बाद आपको प्रोटेक्ट करना है क्रॉप को फ्रॉम द पेस्ट. जो पेस्ट होते हैं वो फसल को बहुत नुकसान करते हैं. तो क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक द वेरियस इंसेक्ट एंड पेस्ट सच एज लुसेंट्स, टर्माइट्स, रोडेंट जैसे रेट्स हैं, ये सब फसल को नुकसान कर देते हैं. फंगल अटैक्स होते हैं. तो
तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ अलग अलग वेरियस पेस्ट यूज करने होंगे। तो पेस्ट में सबसे पहले जो पेस्टिसाइड है वो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। उसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेलाथियन। मेलाथियन केमिकल पेस्ट को रोक देता है। अब आता है इंसेक्टिसाइड, जो कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट को। वो BHC भी होता है और मेलाथियन भी होता है। BHC जो है वो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होती है, इसे दूसरे नाम से गैमाक्सीन बुलाते हैं। अब आता है रोडेंटिसाइड्स, जो कंट्रोल करते हैं रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब चूहे हुए भी इसमें सब आते हैं। तो इसके लिए हमें जिंक फॉस्फाइड, और ये जिंक फॉस्फाइड जो तुमने देखा होगा घरों में भी जो चूहे हो जाते हैं, तो मर्क्यूरस क्लोराइड और जिंक फॉस्फाइड यही दो दवाइयाँ होती हैं जिससे हम बोलते हैं ना जा करके हमें चूहे की दवाई दे दो, वो इसी में यही मिला होता है बेटा, वो माइस को रोकते हैं। तो बेटा इसके बाद आता है फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स जो किल फंजी, जो फंजाई को मतलब किल कर देते हैं, वो अग्रेशन है, शेरेशन है, ये दो ऐसे केमिकल हैं जो फंजीसाइड्स को कम करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? आफ्टर क्रॉप, जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है तो हार्वेस्टेड मीन्स यानी कि कटिंग एंड रिमूविंग फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से उसको कट कर लेते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम कटिंग और गैदरिंग क्रॉप प्लांट्स एच मेच्योरिटी इज नोन एज हार्वेस्टिंग। और बाय मशीन यानी कि जब फसल बिल्कुल पक जाती है तो उसको हमें हार्वेस्ट करना होता है यानी कटिंग करना होता है और रिमूव फ्रॉम द फील्ड। ऐसे प्रोसेस को जिसको कटिंग और गैदरिंग क्रॉप प्लांट्स को इकट्ठा करके बहुत बड़ा टाल सा लगा लेते हैं, मेच्योरिटी बोलते हैं उसको, इज नोन एज हार्वेस्टिंग। इसमें हमें बहुत सारे जो वेपन्स उसके यूज करने पड़ते हैं, टूल्स बोलते हैं जिनको हम, जिससे हम उस फसल को काट पाते हैं। उसमें सिकल्स हैं, कुछ मशीन्स के थ्रू, ये सब बेटा हार्वेस्टिंग। अब आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब जो हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, जो हमने पूरे गैदरिंग कर ली है क्रॉप प्लांट्स की, उसको हमें सेपरेट करना है यानी जो राइप पके हुए जो दाने हैं वो कट करने हैं फ्रॉम द क्रॉप, इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इट इज़ डन बाय थ्रेसर और कंबाइन, यानी कि ये थ्रेसर से होता है लेकिन जो कंबाइन है वो ऐसी मशीन है जो हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेसिंग भी करती है। तो ये होता है थ्रेशिंग। अब इसके बाद आता है बेटा विनोइंग। विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करता है ग्रेन्स फ्रॉम द खाफ वाई वाइंड इज नोन एज विनोइंग। मतलब जो भूस होता है यानी कि जो गंदगी है किसी फसल की, जैसे कि गेहूं में से भूस निकलता है तो उसमें से गेहूं को अलग करना, चने को अलग करना, ये सब क्या है, चावल को अलग करना, ये सब क्या है, विनोइंग है। इट इज़ डन बाय स्लोली ड्रॉपिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हाइट, यानी कि हम काफ़ी हाइट से उसको गिराते हैं उस फसल के बीजों को, ग्रेन्स को, और वो ग्रेन्स थोड़े से एयर के मतलब प्रेशर से, वाइंड ब्लो बोलते हैं इसको, मतलब हैवी एयर प्रेशर से हम क्या करते हैं, पंखा टाइप का एक चलाते हैं, उससे फसल को उसके आगे डालने से जो बहुत ही लाइटर पार्ट होते हैं जो काफ के, वो क्या करते हैं, दूर जाके गिरते हैं और हमारे जो ग्रेन्स हैं वो हमारे पास में हमें मिल जाते हैं। यानी कि जो लाइटर काफ होता है वो ब्लोन अवे बाई वाइंड्स वाइल द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। तो वो यानी कि जो एग्जाम्पल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है भूस और गेहूं। गेहूं हमारे पास रह जाता है, भूस जाकर दूर गिरता है। और बच्चों वो लोगों तो आपने गांव में देखा भी होगा। अब बेटा जब हम विनोइंग कर चुके हैं, विनोइंग करने के बाद अब हम जो फसल है उसको अपने पास स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए जो फ्रेशली हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स थे आर मॉइस्ट, थोड़े से उसमें गीलापन या कुछ मॉइस्ट था, उसको पैकिंग करने से पहले उसे सन के सामने थोड़ा सा सुखा लेते हैं और रिड्यूस उसका मॉइस्चर करने के बाद उसे हम स्टोर कर लेते हैं जूट बैग्स में या फिर मेटेलिक ड्रम्स में। तो बेटा इतना सारा फसल यानी कि खेती करना नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे प्रोसीजर इसके साथ में हमें डील करने होते हैं, जिसमें मैंने आपको बारी बारी से बताया कि पेस्ट को कैसे से मतलब पेस्ट से कैसे खेती को बचाना है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, इरिगेशन कैसे करनी है, सॉइल एनरिचमेंट कैसे करनी है, हमें टिलिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, टिलिंग लेबलिंग के बाद उसमें हमें सीड को किस तरह प्रोसीड करना है, सीड जब उसमें सोइंग हो जाएगा उसके बाद फिर जर्मिनेशन भी हुआ, इरिगेशन हुआ, इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद हम लोग उस क्रॉप के जो पूरे के पूरे एक फुल ईयर के जो प्रोसेस के बाद या 6 मंथ या 3 मंथ के प्रोसेस के बाद जो कि फसल के ड्यूरेशन में जो लगता है उसके बाद वो घरों तक और मार्केट तक आ पाती है। तो बेटा हमें इन प्रोसेसों को सीक्वेंस वाइज ध्यान में रखना है। थैंक यू।